हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सहबाज। आप देख रहे हैं स्मार्ट एयर कूल सिस्टम। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको एक आउटडोर यूनिट दिख रहा है, ये 1.5 टन का स्प्लिट एसी वोल्टास का आउटडोर यूनिट है। इसमें जो प्रॉब्लम है बहुत अजीब सा प्रॉब्लम है, वो सबको नहीं पकड़ पाएगा, तो सोचे हम वो आपके साथ शेयर करें। जैसे कि इसमें जो प्रॉब्लम था कि ये मशीन जब ऑन होता था तो मशीन ठीक चलता था, 1 घंटा के बाद कंप्रेसर ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता था और जो फैन है वो आपका चलते रहता था। अदरवाइज अगर रात है और टेम्परेचर आ गया रात में रूम में, कट ऑफ होता था टेम्परेचर आने के बाद, जब पीसीबी आउटपुट छोड़ता था तो फैन चलता था लेकिन कंप्रेसर लोड नहीं ले पाता था। तो कस्टमर जो है वो किसी से सर्विस भी करवाए, पावर भी चेक करवाए, मतलब वो अपने हिसाब से सब कुछ चेक करवा लिए है, गैस वैस सब कुछ, लेकिन बीमारी इसमें कोई पकड़ नहीं पाया है। तो वो बीमारी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि फील्ड में ये हम लोग साथ अक्सर होता है और ये प्रॉब्लम देखने को भी मिलता है पर पकड़ नहीं पाता है कोई। तो जो प्रॉब्लम है आज वो हम आपको बताएंगे कि उसको सोल्यूशन कैसे करना है। जैसे कि इस अक्सर कंप्रेसर में आप देखे होंगे ये टर्मिनल जो है, ये टर्मिनल जल जाता है। तो कोई बंदे ने क्या किया, ये नॉर्मल सा जो थेम्बल होता है, ये थेम्बल वो लगा दिए, जो कि आपको पता है कि ये थेम्बल कितना पतला होता है और ये तार भी काफ़ी कमज़ोर लगाए हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये पूरा हीट होके जल गया है। आपको अगर दिख रहा होगा, देखिए ये यहाँ पे हीट होके जल गया है। तो होता क्या है, ये जब पूरा यहाँ पे आपका कार्बन आ गया है, हो क्या रहा है, जब कंप्रेसर ठंडा रहता है, स्टार्ट लेता है, तब ये ठीक चलता है। जब कंप्रेसर धीरे धीरे लोड लेता है और कंटिन्यूस वो लोड में चलता है तो वायर हीट होने लगता है। हीट होने के कारण क्या होता है, वो पावर को ड्रॉप कर देता है। जैसे कि आप अगर इस लाइन पे, तो आपको पता होगा कि अगर वायर, कोई भी वायर अगर हीट होगा, मतलब वायर के हिसाब से जितना लोड उस पर दिया जाता है उससे ज़्यादा लोड अगर पड़ेगा तो वायर हीट होगा, हीट होगा तो वोल्टेज ड्रॉप कर जाएगा। तो सेम प्रॉब्लम इसके साथ हो रहा था, वोल्टेज ड्रॉप कर जा रहा है कंप्रेसर के पास से। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ कनेक्टर पर नापिएगा, कनेक्टर पर वोल्टेज ठीक आएगा, लेकिन यहाँ पर कंप्रेसर के पास वोल्टेज ड्रॉप कर जा रहा था, जिसके कारण कंप्रेसर ट्रिप कर जा रहा था ओवर हीट होके। कंप्रेसर अगर वोल्टेज ड्रॉप करेगा तो कंप्रेसर हाई एम्पियर लेगा और हाई एम्पियर लेके ओवर हीट होकर ट्रिप हो जाएगा। जैसे कि अगर कभी भी टर्मिनल उड़ जाए, जैसे कि टर्मिनल आपको दिख रहा है यहाँ पे, टर्मिनल जहाँ जैक, मतलब आपका जो थेम्बल जहाँ पे लगता है, वो दोनों पिन खत्म हो गया है, मतलब रस्ट से मतलब ख़राब हो गया है। तो उसके जगह में भाई ने, ये कोई टेक्नीशियन ने इसको नॉर्मल से ऐसा फंसा दिया है, तो ये फंसाने से काम नहीं चलेगा। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये सही से यहाँ पे प्लास से मतलब अच्छा से दबाया भी नहीं गया, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी रस्ट आ गया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पर लगाना होगा, बताते हैं आपको, इस पर कनेक्टर लगाना होगा। कौन सा कनेक्टर लगाना है, जैसे हम लोग इंडोर में तार को टाइट करते हैं ना जो कनेक्टर पे, उस टाइप का कनेक्टर लगाना होगा। इस टाइप का बात नहीं कर रहे हैं, एक और टाइप का आता है कनेक्टर जो स्टेबलाइजर पे लगता है, वो कनेक्टर आपको इजी वे मिल जाएगा कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल दुकान में, जो कि हीटर में लगाया जाता है। अगर वो नहीं मिलेगा तो आप स्टेबलाइजर का भी पार्ट जो होता है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइल से गोल करेंगे, गोल करने के बाद कनेक्टर डालेंगे, इसको टाइट, दो ठो स्क्रू रहता है वो टाइट करने के बाद, इसको लगाने के बाद हम लोग मशीन को चालू करेंगे, इंशाल्लाह मशीन ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये तार पूरा हीट हो जा रहा है, तो हीट होने से भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी तार हीट नहीं होना चाहिए कंप्रेसर के लोड पर। तो अगर फील्ड में अभी आप कभी आपको ऐसा प्रॉब्लम मिले, तो आपका अगर टर्मिनल जला हुआ हो, तो इस तरह से कोई भी थेम्बल को नहीं फंसाना है, हम लोग को यहाँ पे कनेक्टर लगाना है, क्योंकि कंप्रेसर हाई एम्पियर लेके चलता है, मतलब देखा जाए तो 7, 7.5, 6 एम्पियर लेता है, 8 एम्पियर तक लेता है 1.5 टन का एसी। तो उसमें हम लोग का नॉर्मल सा ये सस्ता वाला थेम्बल काम नहीं करेगा, जिसमें हम लोग को कनेक्टर लगाना पड़ेगा। कनेक्टर लगाइए, कनेक्टर लगा के चलाइएगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आई फ्रेंड, वीडियो में कुछ समझ में आया हो आपको, वीडियो में समझ में आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड, अगर रहा बात आपको कैसे लगाना है, वो हम लगाने के बाद एक शॉर्ट्स वीडियो बना के आपको दिखा देंगे, शॉर्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा मेरा, कि कनेक्टर को कैसे लगाया जाता है, तो आपको वो वीडियो में दिख जाएगा। बाकी अगर कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो ये चीज़ को एकदम ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें, कंप्रेसर अगर ओवर हीट होकर ट्रिप कर रहा है तो वोल्टेज चेक करिए, वोल्टेज का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। कंडेंसर चेक कीजिए कि कंडेंसर चौक तो नहीं है, फैन का स्पीड चेक कीजिए। बाकी ट्रिपिंग का वीडियो हम ऑलरेडी एक विंडो एसी में बता चुके हैं, विंडो स्पीड में कोई अंतर नहीं है, कंडेंसर, फैन कैपेसिटर और वोल्टेज, यही 3-4 चीज़ से, और एक कैपेसिटर, यही सबसे हम लोग का कंप्रेसर ट्रिप करता है।
तो आई फ्रेंड वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू, धन्यवाद।